evening, everybody. So happy to have all of you in my class. How are you doing, everybody? Right? How are you doing? आज हमारा Living World का lecture 1 है, where in detail I will tell you a very easy, seemingly simple topic called what is living. But I will prove it to you that this seemingly simple topic like what is living is very important from neat point of view. अगर आप कभी long term लोगे या आपने वैसे पढ़ना है, आपको पता है मेरी classes available हैं. देखो, आपको कई बार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लान्स में 49 रुपीस का अवेलेबल है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 49 रुपीस. ऐसे ऐसे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ 19 रुपए का, ताकि आप जाकर एक बार प्लेटफॉर्म देख सको. पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप हमसे पढ़ोगे ना, तो हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी बच्चों को ठगेंगे नहीं. आपको पता है वेदांतों ने सिर्फ एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है इंडिया लर्न, जिसमें हमने 15 करोड़ की स्कॉलरशिप्स किए. वी गोइंग टू बी अडॉप्टिंग चिल्ड्रन हु समहाउ हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिकॉज ऑफ दिस वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, हमने आपको प्रॉमिस कर दिया आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती. क्योंकि जैसे आप हमारे पास पढ़ने आओगे, हम आपको टीचर, क्लास टीचर, पर्सनल टीचर, स्टूडेंट अकाउंट मेंटर, हम आपके टेस्ट, डिस्कशंस, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, लाइव टीचिंग, रेगुलर डाउट डिस्कशंस इन क्लास, आफ्टर द क्लास अनलिमिटेड डाउट, ये सब देंगे. हम कोशिश करेंगे कि आप बस पढ़ते चले जाओ, और अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, वी प्रॉमिस टू रिटर्न योर मनी. वी विल टोटली रिटर्न योर मनी. राइट? द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज नॉट एज पर योर expectations. We will totally return your money. See, it's not as per your expectations. We will return the course fee paid to us. No questions asked. This is the Vedanta improvement promise. So, main hamesha kehti hu. Agar aap aaoge, you will be able to sit in my classes. You'll be able to ask me doubts. You'll be able to see my classes. Every class I unmute kids, they interact, they ask doubts, they chat. ये सारी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए होगा. क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ो, यानी वाईटी में पढ़ो, दो चीज़ों का ध्यान दो. टेस्ट, लाइव क्लास चल रही है आपकी, लाइव क्लास में आपके नोट्स बन रहे हैं और कोई आपके डाउट सॉल्व कर रहा है. क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट्स बहुत आते हैं. Yes, so it's very important कि आप इतने टेस्ट दीजिए. आप एटलीस्ट अपने डाउट सॉल्व कराओ. ये क्लास टीचर सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हमारी क्लासेस में होते हैं. दे आर जस्ट देयर टू मेक श्योर दैट आपको डाउट्स ना आए. यू आर एबल टू अनम्यूट, यू आर एबल टू आस्क. सो दिस इज व्हाट आई नीडेड टू टेल यू. अगर आप खुद कर सकते हो, वरना इफ यू वॉन्ट टू कम टू आवर क्लासेस, यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन. आप यहाँ क्लिक कर सकते हो. आज मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है. नॉर्थ इंडिया में तो कल भी बहुत खतरनाक तूफान था, एंड आज भी बहुत खतरनाक वाला तूफान है. गाइस, मेक श्योर दैट आप लाइक कर दो अभी के अभी. एंड गाइस, ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी, राइट? तो ये देखिए डेली प्रैक्टिस पेपर. प्लीज बच्चों, इनसे मैं बहुत टेस्ट बनाने वाली हूँ. मेक श्योर आप डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो. एंड गाइस, कम हियर, यहां आ जाइए. प्लीज गो गेट द प्रो मेंबरशिप. Quickly go get the pro membership. Just go run get the pro membership. It's really, see guys, you don't really have to buy these. ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ. It's okay, आप बाद में आप अपने पे, but at least try करो. Try with the cheapest. Then you will realize, देखो जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था, फोन आया था, आप try तो करो. फिर आप यार what are you missing? मैं वो excitement बयान नहीं कर पा रही हूँ. I want you to try for 1 month and try the cheapest one. Then you will realize what all have you been missing in the classes. In your offline institutes, try this for sure. Go get, and guys, अगर लेना है ना तो कोड तो आपके पास सिर्फ BD Pro होना चाहिए, so that you get my mentorship. आपको अलग कोड पे, you will not be able to join my batch. You will not get my mentorship. So please make sure that you get my mentorship. इसी के साथ आज की क्लास शुरू की जाती है. Every single thing in botany, in zoology, from the first page to the last page of your prescribed textbook, along with all preparations for boards and entire preparation for NEET, will be done on this one-stop channel. With that, let's start with a huge smile on your face. Let's start lecture number 1 of 2022 batch, What is Living? वो सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच एग्जिबिट ग्रोथ. आज सुबह हमने एक लिविंग वर्ल्ड का क्विज किया था, कल सुबह क्विज किया था. एवरी ईयर दीज क्वेश्चंस कम. तो अभी आप जाने के बाद प्लेलिस्ट पे वो लिविंग वर्ल्ड का क्विज भी कर सकते हो. एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट, आई एम नॉट इवन सीइंग ऑर्गन लिविंग, एनी ऑब्जेक्ट विच विल एग्जिबिट ग्रोथ, विच विल डेवलप,
द सेल्स विल शो डेवलपमेंट. एक तरह का सेल था डेवलप होकर कुछ और बन गया. विच विल शो रिस्पॉन्सिवनेस. That means if you touch the organism, might take its hand back, right? When the phone ka bell will ring, you will run and go pick up the phone and see who's there. I am saying something, aap copy karne ki koshish kar rahe ho, you are responding to my statements. Main like kar rahi hu, aap ekdam se like button daba rahe ho, 371 hai, ma'am ne like bola, ho sakta hai 375 ho jaye, right? So you are responding, you are adapting. If the temperature outside is cold, you will tend to shiver. If the temperature outside is warm, you might tend to sweat. You are adapting to the outside world, right? And all living organisms also reproduce. I repeat, all living organisms show growth, they show development. A 1-year-old child will not be able to understand what I'm saying. But over a period of time, all organisms will show development. The nervous system will develop. The epithelial system will develop. The bones will grow. They will show development. Ye respond karenge to any stimulus. It could be a good stimulus, it could be a bad stimulus. You suddenly, after the lockdown is over, aap bazaar mein ghumne jaate ho and you see kahin pe jalebi samosa koi bana raha hai. So you will have salivation in the mouth. Yes or no? Yes, everybody, you will have a feeling of, you know, salivation in the mouth. Responsiveness. You will adapt to the outer world. You will adapt to whatever is happening on the outside. If it is warm, I told you, you will tend to sweat. If it's cold, you'll tend to shiver. Reproduce. So all of these are characteristics present in each one of them. Something as simple as a unicellular organism. Something as complex as a sloth bear. Right? A seahorse. A fish. Flowers, plants, everybody, a falcon, an eagle, a tortoise, a kangaroo, right, a lizard, a cactus, each one of them will show response. Agar aapne padha hoga, so what do cactuses do? Do cactuses have spiny leaves, opuntia? Do they have stomata jo niche chupa hota hai, so ki water loss by transpiration na ho? Yes, so all these organisms, kabhi aapne dekha, have you seen National Geographic, so you know that those bears, they do hibernation. During extremely cold weathers, the bears go into the caves and hide. So see, whether they are as intelligent as humans or not, whether they are simple or complex or not, but they do adapt to their outer environment. Yes, everybody, they do adapt to their outer environment. Cellular structure is a defining property of living beings. We all are made up of cells. It could be made up of a single cell, a few cell, or hundreds and thousands of cells. But cellular structure, the cell could be a prokaryote. What is a prokaryote? We didn't just give us nucleus na ho. The cell could be a prokaryote or it could be a eukaryote. It could be one cell, unicellular, or many, many cells, multicellular. Let me tell you, we will begin from the most simplest slides and do the most complex order. Wagera to main aapko aise by heart karwa dungi living world. Ki you will never have a problem even solving the most complex of questions, right? But I know, and 2 years you have to trust us. 2 years you have to give us a time called 5 PM. Main aapko din mein 10 baar nahi bulaungi. I usually will call you once a day. And we will be like, done. That's my promise to you. Chale. So defining property of living beings kya hai? That they have a cellular structure. They do have a cellular structure. All organisms are made up of unicellular, mono, one or maybe more. Starting from starfish to something like a sunflower to bacteria, right? Bacteria like this, see? Is shape ke bacteria ko main bacillus kehti hu. Anthrax cause karta hai. Is shape ka bacteria agar hoga to coccus kehlayega, coccus. So starting from bacteria, unicellular or multicellular, doesn't matter. But cellular structure. This is an animal cell, humne kal kiya hai, animal cell. Cell wall nahi hogi, chloroplast nahi hoga. This is a plant cell, kitna bada vacuole hai iske beech mein, right? So be it an animal cell, plant cell, a bacterial cell, a protozoa, porifera, echinodermata, ye saari cheeze main aapko karwaungi, starfish ho, kuch bhi ho. Cellular structure is the hallmark, right? जब सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, okay, cell किसने डिस्कवर किया है? Class 10 बताइए. Robert Hooke. Yes, Robert Hooke. Vibrio comma shaped. तो Robert Hooke ने सेल के आउटर स्ट्रक्चर को ही तो डिफाइन किया था.
सेलू ने वर्ड लिया था. रॉबर्ट हुक माइक्रोग्राफिया 1665 में एक बुक लिखी थी. इन दैट ही हैड मेंशन्ड दिस. रॉबर्ट हुक इन 1665 रोट अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया जहां उन्होंने ये मेंशन किया था. सेलुले वर्ड से यूज किया था. उसके बाद एक और साइंटिस्ट आई थी, आई विल टेल यू अबाउट हिम. हिज नेम वाज रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने एक थियोरी बोली थी जिसको कहा था ओमनिस सेलुलाइज सेलुला. आई स्टिल रिमेम्बर जब आप कॉलेज में थर्ड ईयर में जाओगे और पैथोलॉजी पढ़ोगे, राइट, आफ्टर टू ईयर्स व्हेन यू विल एंटर कॉलेज, दैट मीन्स प्रिसाइसली आज से पांच साल बाद जब आप कॉलेज में जाओगे और अगर पैथोलॉजी पढ़ोगे, पैथोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, स्टडी ऑफ डिजीजेस, तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे रुडोल्फ वर्चो के बारे में पैथोलॉजी में, राइट. ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर वी विल स्टडी. रेगुलर आएंगे, वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस. सो सेलुलर स्ट्रक्चर, अभी तक हमने क्या देखा, दैट सेल अडैप्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. और सेल, इफ एनीथिंग इज लिविंग, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर होगा. कूल एवरीबडी? यस, they will have. Hi Aksha, is that clear? They will have. और एक सेल से ही सेल्स बनते हैं. One cell only will give rise to more cells. Metabolism is a very important word. Very important word. Metabolism पे बहुत living characteristics define होती है. It is very important. Now, if you want to survive in the outer world, right? You want to survive in this world. You require money to eat food, to pay rent, to travel from one place to the other. You require money. Now, if you are in India, you require a very specific form of currency. What is a specific form of currency? Come on, Saloni, Sarfaroz, Kiran, Twinkle. What is a very specific buller ji, aap bataiye? What is that specific? Rupees. Very good. Very good. Very good. And menti hai. We have menti today. So stay here. We have menti. So there's a very specific form of currency. That specific form of currency is called as rupee. If you happen to go to, US, you will use a specific form of currency called dollars, right? Some countries might have yen. Some countries have Australian dollars. Some countries have euro. Right, everybody? Is that clear? Similarly, if you happen to do any work inside the cell, you require a currency. The cell will also ask for a permit. The cell will require for require you. Yaar, kuch toh mujhe jo, jiske badle mein, I'm going to be doing this work for you. So that thing which the cell will ask you ki mujhe do, it is called as your ATP. In very simple words, this is such a, aise matlab is word ko bada banaya hota hai. Generation of ATP is basically metabolism. Metabolism basically is a jet. Now, ispe aap do kaam kar sakte ho. Ya to aap isko bana sakte ho, ya kisi cheez ko, like, metabolism do tarah ka hota hai. Either you will try to make something or you will try to break something. Anabolism, catabolism. I will come to that. Anabolism, catabolism. But generally, metabolism, jahan par bhi word aayega, you are trying to do something to produce ATP. Now, agar aap ek bade molecule ko todoge, if you will break a bigger molecule into smaller molecule, you will break it, right? Ek bahut bada molecule aapne, that is called as catabolism. That is called as catabolism. And agar aap small molecules ko jodoge and you will make a bigger molecule, that is called as anabolism. Is that clear? Like glucose, jab aap breakdown karoge, you will get ATP. But similarly, store karne ke liye, aap choti choti cheezon ko store nahi kar sakte. Agar aapke paas thoda karke hota hai, your parents give you pocket money. Samajh aa raha hai? Your parents give you pocket money. 2021 is allowed. Please see 2021. Aapko bahut fayda hoga isse. Your parents give you. So do you save that money? You will keep it hidden from your brothers and sisters. You will put it somewhere. You will save it so that you can use it for your own work. Right? कुछ काम है, कुछ खरीदना है, you will. So similarly, छोटे amino acids आपके पास आ गए, छोटे molecules आ गए, you will save them as a protein. Monosaccharides आ गए, छोटे molecules, you will save them as a carbohydrate. But कई बार जरूरत होती है. अच्छा, एक बड़ा important चीज, ये बड़ा common सा example है, बहुत relatable, मैं बताती हूँ, आप मेरे को बस yes or no में जवाब देना. कई बार क्या होता है ना, ये मैं तो बहुत करती थी स्कूल कॉलेज में, आई थिंक आप लोग भी करोगे. बड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनो, बड़ा मजा आएगा. अगर मान लो आपके पास एक 2000 रुपीज का नोट है, यू हैव अ करेंसी नोट फॉर 2000 रुपीज, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, और आपके पास 50 रुपीज चाहिए किसी को, आपके फ्रेंड को 50 रुपीज चाहिए, पर आप अपना पर्स खोलते हो, आपके पास सिर्फ 2000 रुपीज का नोट है, विल यू गिव हिम? यू नो हमारा यार ये ना, अगर ये ब्रेक हो गया तो ये स्पेंड हो जाएगा, यस और नो? यस, यस और नो? कितने बच्चे करते हैं, कम ऑन, गिव मी अ हाई फाइव.
कितने बच्चे कहते हैं यार ये अगर स्पेंड हो गया तो ये स्पेंड हो जाएगा. यस और नो, मेक अ हार्ट. हाउ मेनी ऑफ यू फाउंड दिस रिलेटेबल? मेक अ हार्ट, मेक अ हार्ट, मेक अ हार्ट, मेक अ हार्ट. यस यार ये स्पेंड नहीं करना, अगर ये स्पेंड. यस, सो सिमिलरली वो जो छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आप सबको इकट्ठा कर लोगे एंड यू विल स्टोर इट एज अ बिग मॉलिक्यूल. You will store it as a high source of energy. So the small molecules, when you join them and you store it as a bigger source of energy, that is called as anabolism. But once आप कहीं फंस गए, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, आप स्कूटी लेके घूमने गए हुए थे, मम्मी पापा का घर में आने का टाइम हो गया, you have no problem, वापस आना ही है घर में. You have to come back home. तो आप क्या करोगे? वो 2,000 rupees का नोट भी दोगे, जल्दी से 50 rupees का पेट्रोल भराओगे and come back home. So sometimes you will have to break the larger molecules and give you ATP. So it is a cyclic chain. Sometimes आप break down करोगे, कई बार आप make up करोगे, right? You will break the bigger molecule into smaller molecules, release ATP. You will sometimes use ATP, join the smaller molecule, store it in the form of a bigger molecule. That is metabolism. That is life, and that is metabolism, catabolism as well as anabolism. It is a defining property of living. Why is it the sum total? Sum total क्यों कह दिया? Because कई reactions anabolic होंगे और कई रिएक्शंस कैटाबॉलिक होंगे. दैट इज द रीजन मैंने इनको सम टोटल कह दिया है. बिकॉज सम रिएक्शंस विल बी एनाबॉलिक, सम रिएक्शंस विल बी कैटाबॉलिक. कई बार आप मनी सेव करोगे, कई बार आप मनी को स्पेंड करोगे. करेक्ट, राइट, राइट एवरीबडी? कई बार आप मनी को सेव करोगे, कई बार आप मनी को स्पेंड करोगे. सिंपल. मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी ऑल्सो. एक सेल फ्री सिस्टम में हम इनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो. विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, क्योंकि विट्रो वर्ड लिया गया है विट्रस से. अब मेरी क्लासेस में मैं आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कराऊंगी विच यू शुड रिमेंबर. बच्चों बफरिंग नहीं हो रही, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. नहीं हो रही बच्चों बफरिंग? नहीं हो रही बेटा. प्रतिभा, एकता, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए. राइट, प्लीज रिफ्रेश. बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रही बच्चों, एक बार रिफ्रेश करिए. चलिए जल्दी. गुड बच्चों, गुड. इट्स नॉट बफरिंग. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. और 450 बच्चे देख रहे हैं, बफरिंग नहीं हो रही. मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगी, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग विल गेट क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड. विट्रस का मतलब होता है ग्लास लाइक. क्लियर, विट्रा वर्ड है. सो टेस्ट ट्यूब्स में भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स बट दे आर बायोलॉजिकल रिएक्शंस. राइट, इफ दे आर नॉट अकरिंग इनसाइड अ बॉडी, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, दे आर बायोलॉजिकल रिएक्शंस. सम टोटल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये वर्ड मैं आपको फोटोसिंथेसिस में कराऊंगी, ये वर्ड मैं आपको रेस्पिरेशन में कराऊंगी. सो दिस वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको दो क्लासिक एग्जाम्पल्स दिए, वन फॉर कैटाबॉलिज्म, वन फॉर एनाबॉलिज्म. आई होप यू विल नॉट रिमेंबर, यू नो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन रिमेंबरिंग देम. एक एग्जाम्पल मैंने आपको मनी वाला दिया, एक एग्जाम्पल बोला कि आपको पैसा तो लाओगे अगर आपको पता है कि घर में मॉम डैड आर वेटिंग एंड यू हैव टू गो बैक होम. Types of metabolism, building up reactions, building up reactions. कितनी बार होता है, अच्छा कितने लोगों को ईदी मिलती है, ईद में ईदी मिलती है, raise your hands. ये कितने लोग होते हैं जब नानी दादी के घर जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा शगन मिलता है. ईदी कितने लोगों को मिलती है? ईद के लिए they are very happy because ईद वाले दिन ईदी मिलेगी. Come on, raise your hands in my class, please. Yes, good evening everybody. और कितने लोग होते हैं नानी दादी के घर जाएंगे? So you will save that money, building up reactions, right? You will build up. You will try to build up the things. Yes or no? Yes, everybody. You will try to build up those reactions. Photosynthesis में आप carbon लोगे, आप hydrogen लोगे, आप oxygen लोगे. You will use these small things. ये छोटी छोटी चीजें आप लोगे. And you will try to build up C6H12O6. Use करोगे. बच्चों एक बार refresh कर लीजिए. बच्चों no problem is there. Right? You will try to देखो इनसे. You will use these simple things. CHO. You will use these simple things and build up a big things. Formation of starch from glucose. Catabolism is breakdown. Breakdown. So, जब आपने खाना खाया, जो भी खाना खाया, सेवैया खाई, ईदी के दिन अगेन यू हैड सेवैया, you need to break them down and get energy out of it. Right? So when you break down the bigger molecules, when you break them down and you get ATP out of them, that is called anabolism. So when you want to make something, look at this beautiful thing.
right? When you break this into small molecules, catabolism, breakdown. Using these compounds to make a big is called as anabolism, is synthesis. My dear children, new era, Srishti, Soumya, Laddu bhai ji, nahi beta ji, buffer nahi kar raha hai bachchon. Yes, Jasmeet ji, I don't work here. I don't is very, very good. Nahi kar raha bachchon ji, buffer. Aye. So, this is catabolism, which is breakdown. And this is anabolism, when you use the small things to make a bigger molecule. Characteristics of living beings. Chale, can we do the characteristics of living beings? Growth. Irreversible increase in the mass of individuals is called growth. Anything which is living will not remain stationary on the same size. Anything which is living, wo kabhi bhi stationary nahi rahegi. Catabolism, anabolism, very, very important. Very important points. Growth. This word accretion, non-living. Suppose this is the peak of the Mount Everest. Correct? Now, or it is Kanchenjunga. Right? Or it is Kilimanjaro. Any mountain top. Iske upar bhi, there can be some mineral deposition. There can be some dust deposition. Are you getting my point, everybody? Menti aane wala hai bachcho. Right? Right, everybody? Menti aane wala hai. No worries. Menti aane wala hai. To iske upar bhi deposition ho sakti hai. But agar iske upar deposition ho rahi hai, it is called as accretion. If there is deposition on top of this, it is called as accretion. Non-living articles can increase in size, which is called as accretion. Understood? Understood, everybody? Mountains, stones, crystal. Growth is not, therefore, growth ko main defining feature nahin bol sakti. Please, very important. Kyunki dekho, non-living cheeze bhi toh grow karengi. Agar aapne ek rock rakha hua hai, us rock pe dheere deposition hota jayega. वो रॉक बढ़ जाएगा अपने साइज में, उसको तो मैं ग्रोथ नहीं कह सकती, उसको तो मैं लिविंग नहीं कह सकती ना. सो इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. मेटाबॉलिज्म इज. कभी ऐसा होगा कि रॉक आपका मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म करेगा? नहीं. सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे मास से नहीं अकेला ग्रो करते? दे डोंट मास नहीं है. By increase in the number of cells. It is not mass. It is increase in the number of cells. So, the growth happens with the increase in number. Growth kyun ho raha hai? Growth kyun ho raha hai? Increase in number of cells. Cells divide kar rahe hai mere growth ke liye. Kya kar rahe hai cells? Divide. So we were talking about Mount Kilimanjaro, we were talking about Mount Everest, and I was telling you that how growth happens, that if there is a non-living substance, it's gathering dust or it's gathering minerals, and if it is growing, usko hum growth nahin kahenge. You remember this? Yes? So usi cheez se I'm picking up today's lecture exactly at the slide where we left it, and then we move ahead. Perfect. Chalo, accretion. Non-living articles can increase in size. Right? Mountains, stones. So I told you this. I told you ki growth isiliye defining feature nahi hoga, because non-living substances ke upar deposition ho sakta of mineral salts, right? Of dust, of iron. So that is not growth. I told you this in yesterday's class. What exactly is growth then? At this beautiful GIF, our slides got stuck yesterday, and we are starting from exactly that. Multicellular organisms like you and me, jinke paas bahut cells hai, they grow by cell division. They grow by cell division. One cell divides into two. Two cells divide into four. So they grow by cell division. Right? I'm again and again telling you the same thing. My dear children, nothing you will have to read. Nothing at all. Aap class mein baithiye, class ke notes banaiye. Main aapko jo MCQs de rahi hu, daily MCQs karaungi. Daily practice. Wo MCQs solve kariye, revise kijiye. It should be more than enough. Now sit back, relax. Understand, write down. Done. So multicellular organisms increase by cell division. In plant, growth jo hoti hai, wo continue karti hai throughout its lifespan. It's a very important. Because jo tip hota hai na, tip of the plant, tip, it continues to grow in a plant. Grow karta hi rehta hai. Whereas cell division is only up to a certain age in animals. So, in plants, it does not stop. It's a very important point. Jo tough type ke questions aate hai, unme aata hai. Are you understanding? Ekta, Radhe, Solanke? Right? Julia, I will do something. I'll do Radhe, Priyanshu, Aditi, Priyanshu. Are you understanding? So, ye jo tip hota hai na, ek extra information deti hu. Is tip ko
को जो कंटिन्यू टू ग्रो करता रहता है, इट्स कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टम. पुट अ स्टार मार्क इन योर नोट्स एंड राइट इट डाउन. पुट अ स्टार मार्क ये एमसीक्यूज में आ सकता है. पुट अ स्टार मार्क, इट्स अ डायरेक्ट एमसीक्यू. वेयर एज इसको जो कंटिन्यू करता रहता है ना, पुट वन मोर स्टार मार्क इन योर नोट्स. दिस इज कॉल्ड एज इनडिटरमिनेट. Indeterminate. अब questions कैसे आएंगे? Indeterminate किस में होता है? So you have to say plants. इसमें भी star mark बनाइए. Previous year MCQ है. Whereas animals, it's only up to a certain age. वो certain age है puberty. Put a star mark. Write down puberty. Write down these things are direct MCQ questions. So ये जो NEET, अगर आप NEET 2012 का question करोगे, तो animals में stops at certain age. That is determinate. It is determinate. Cell division occurs. Cell division होता रहेगा to repair or to replace the lost cells. एक चीज मैं और आपको बताती हूँ. जब AIIMS का पेपर सेपरेट होता था, तो ये AIIMS 2005 का क्वेश्चन है. AIIMS 2005 आप घर जाकर देख सकते हो. Because I know all of you want to be doctors in the future. Yes, तो cell division जो है वो stop हो जाता है. It never occurs. Stops. In neurons. So question था कि which of the following will not show cell division? तो उसका answer होगा neurons. So on this page we have all of these star marks as MCQs. You can even take a snapshot. आगे बढ़ते चलिए. So this is something I explained. Reproduction is the formation of new individuals of a similar kind. This is very important. Similar. Identical नहीं है. There are going to be variations. So reproduction is one more characteristic. This is something that you've learned. Thank you, Tanveer. Is something that you've learned in your class 9th and 10th. Organisms asexually भी reproduce कर सकते हैं without sexual reproduction and sexually. Organisms like mules, which is a cross between a horse and a donkey, which is done in the laboratory. Therefore, they are infertile. They cannot give birth to children. Worker bees जो होती हैं, इनमें जो egg का apparatus होता है ना, the one which gives rise to eggs, the egg apparatus is not developed. Please write it down. It is not developed. Therefore, they are also sterile. Now, horse and donkey के अंदर, this can only happen in the laboratory. You should remember this. Their chromosomes number are different. Write this down. Horse and donkey, this is very important. Put a star mark. Their chromosome numbers are different. That is why, जो आपने 9th और 10th में meiosis, mitosis पढ़ा है, इसमें meiosis नहीं हो सकता. They cannot do meiosis. Because, reason अगर कोई पूछे, because they ask more application based questions nowadays. So if they ask you, what is the reason for the chromosome number? क्यों they are sterile, infertile? Because horse and donkey, the chromosome number is different. That is why they cannot undergo meiosis and cannot produce offspring. इनकी स्पीशीज अलग है. अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. इनकी स्पीशीज अलग है. हॉर्स बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्पीशीज. डोंकी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्पीशीज. इट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पीशीज. दो देशों के बीच में अगर कुछ हो रहा है इंटरनेशनल, दो स्टेट्स के बीच में कुछ हो रहा है इंटर स्टेट, दो कॉलेजेस के बीच में कुछ हो रहा है इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल, अगर दो स्पीशीज के बीच में हो, इट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. सो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, म्यूल इज अ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड. अंडरस्टूड? राइट. माइटोसिस एंड मियोसिस पे कंप्लीट क्लास ली जाएगी. Again, hence reproduction is not a defining property. Not क्यों? क्या mule non-living है? Mule तो reproduce नहीं कर सकता. Is it non-living? No, it is living. Worker bee में egg apparatus develop नहीं है. Everything else is there. It is living. ये दोनों MCQs के favorite question है. Why are they considered to be living and why can't they reproduce? एक के पास egg apparatus नहीं है. One of them is an interspecific hybrid. Very well. I think you've understood it. Third is consciousness. The ability to respond to a stimulus. What is consciousness? The ability to respond to a stimulus. Are you understanding? Make a thumbs up for Vani ma'am. Come on guys, give a like. Ek like to banta hai. Yes or no? Come on my 2022 batch, my chote bachcho wala batch. Come on. 400, mujhe 500 likes chahiye abhi. Chalo. La,
लेक्चर नंबर टू है, मुझे आज 500 लाइक्स चाहिए. चलिए 500 लाइक्स, यू टू लाइक द लेक्चर. 345 लाइक्स हुए अभी सिर्फ. चलो कम ऑन मेरे प्यारे बच्चों, चलो आगे बढ़े. सो कॉन्शियसनेस इज द अवेयरनेस. व्हाट इज हैपनिंग इन माय सराउंडिंग, आई शुड बी अवेयर ऑफ इट. यस एवरीबॉडी, तो जो सराउंडिंग्स में है, जब मैं उसके लिए अवेयर होंगी, दैट इज अवेयरनेस, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट. राइट, दिस इज कॉल्ड एज माइमोसा प्यूटिका. Mimosa pudica. If you touch it, the leaves will close down. Mimosa pudica. This is moving towards the source of light. It is moving towards the source of light. When you touch something hot, you will immediately leave your hand. All of these are nothing but different stimulus. जो भी आपकी बॉडी में स्टिमुलस इज एनीथिंग विच कैन, प्लीज विल यू राइट दिस वर्ड, विच विल एलिसिट अ रिएक्शन. ऐसी कोई भी चीज जिससे आपकी बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, प्लीज कॉपी दिस डाउन. ऐसी कोई भी चीज जिससे आपकी बॉडी में रिएक्शन हो सकता है इज अ स्टिमुलस. व्हाट इज इट? इट इज अ स्टिमुलस. स्टिमुलस हो सकता है कोई फिजिकल टेम्परेचर, स्टिमुलस हो सकता है केमिकल, सम केमिकल इज देयर, इट इज मूविंग टुवर्ड्स अ केमिकल. राइट, इट कैन मूव टुवर्ड्स फोटोपिगमेंट लाइट, इट कैन मूव टुवर्ड्स टच टेम्परेचर. इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज हैव कम ऑन दिस. इट्स अ डिफाइनिंग, इट डिफाइंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट्स अ मेजर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ह्यूमंस हैव एडिशंस फैक्टर्स और सेल्फ कॉन्शियसनेस विच इज नथिंग बट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ. सेल्फ की अवेयरनेस, मैं कौन हूं, मेरी खुद की अवेयरनेस इज द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ. वेरी गुड, वेरी गुड. और बच्चों इस साल तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है. आप किसी से पूछ लो, ट्वेल्थ में जेनेटिक्स वगैरह वाले टॉपिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी. अगर कोई पुराने बच्चे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यस, लंग्स, हार्ट, किडनी, लिवर, स्प्लीन, जब ये चैप्टर्स शुरू होंगे, आप हमारी पुरानी प्लेलिस्ट में ये चैप्टर्स देखना. We will have a great time. एक बार शुरू तो होने दो सेल वगैरह. 11th में मतलब we will have a great time learning all of this. Understood? तो अब आते हैं diversity in the living world पे. और क्या क्या है? What is the diversity? Biodiversity. Today तो specially is Earth Day. There is biodiversity. अच्छा, anybody in my class whose house falls between, let us say, Goa to Mangalore? कोई बच्चा है? Raise your hands करो. चलो, जिनका घर पड़ता है from Goa to Mangalore, M, Udupi ke paas wala, that entire area, right, that entire area is referred to as, agar main peninsular India ki baat karu, to kisi ka ghar agar yahan se, yahan tak padta hai, Bombay to, ya Goa to Mangalore, ya phir Bombay se bhi niche, Ratnagiri ke paas, Ratnagiri ke mangoes are very famous, Ratnagiri se, down up to, let us say, Udupi, koi bacha hai, or anybody who lives in this area of Sikkim, सिक्किम का कोई एरिया, गैंगटॉक के पास का बच्चा. सो दीज आर टू एरियाज जिनको हमारी कंट्री में, एनीबडी इज देयर, अफसर, हाउ आर यू, कृष, अदिति, यस, फ्रॉम, सो दिस इंटायर एरिया इन आर बॉडी, आई मीन इन इंडिया, दिस एंड दीज, इन एरियाज को सिक्किम वाला एरिया कहलाता है. ईस्टर्न हिमालयस, इट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आर कंट्री, सो इट्स कॉल्ड द ईस्टर्न हिमालयस, राइट एवरीबडी. और ये कहलाते हैं वेस्टर्न घाट्स. They are called as biodiversity hotspots. ये वो एरिया है हमारी कंट्री में जहां मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है, जहां मैक्सिमम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स है. सो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. कितना उनका नंबर है और कितने ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पर हैं. इनका डिफरेंस होता है मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी होता है अपियरेंस. सब लोग अपियरेंस में डिफर करते हैं. अपियरेंस इज मॉर्फोलॉजी. यू शुड नॉट फॉरगेट, दिस इज एन एक्स्ट्रा वर्ड विच यू लर्न टूडे. अपियरेंस इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. साइज, कलर, एनाटॉमी इज इंटरनल स्ट्रक्चर्स. एक्सटर्नल अपियरेंस इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी. हैबिटेट, कौन से एरिया में रह रहा है, एंड हैबिट्स क्या है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोर है. हैबिटेट कैसा है, इज इट एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लैंड में रहता है, डेजर्ट में रहता है, माउंटेन टॉप्स में रहता है, राइट. इतना डिफरेंस है अर्थ में. इट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी.
सो क्योंकि इतनी बायोडाइवर्सिटी है, डू वी रिक्वायर स्पेसिफिक नेम्स? जस्ट से यस मैम नो मैम. क्या मुझे स्पेसिफिक नाम चाहिए कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से बुलाऊं, इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से बुलाऊं? डू वी रिक्वायर स्पेसिफिक नेम्स? यस और नो? यस यस. एंड दैट इज व्हाई उनके सबसे पहले नाम भी छोड़ो, डू आई नीड टू पुट देम इन स्पेसिफिक कैटेगरीज? सो क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, आई नीड टू क्लासिफाई देम, आई नीड टू पुट देम इन स्पेशल कैटेगरीज, आई नीड टू नो दैट हाउ इज इट, यू नो, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, उस कैटेगरी में और कौन कौन फॉल करता है. सो द नंबर ऑफ स्पीशीज इज डिस्क्राइब्ड एज क्लोज टू 1.7 टू 1.8 मिलियन, आउट ऑफ विच एनिमल्स अराउंड 1.25 मिलियन, इंसेक्ट्स अराउंड 1.025 मिलियन स्पीशीज, प्लांट्स आर जस्ट अबाउट 0.5 मिलियन. सो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, विच इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट? देयर इज सो मच डाइवर्सिटी. सो व्हाट हैपेंस इज आई नीड अ साइंस, आई नीड अ मेथडोलॉजी, आई नीड, फॉर एग्जाम्पल, नाउ इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज, एन आयतु उठायतु मते क्लास हेंगिदे गोत्तायतु, सिस्टमैटिक्स गोत्तायतु, यार यारिगे सिस्टमैटिक्स गोत्तायतु, क्या बोला मैंने, व्हाट डिड आई स्पीक, व्हाट डिड आई स्पीक, विच लैंग्वेज डिड आई स्पीक, नाउ टेल मी. यार यार ये सिस्टमैटिक्स गोत्तायतु मत्तेनु वेदांतु हेंगिदे भाळ चेन्नागिदे, सी कन्नड, आई एम स्पीकिंग अ लैंग्वेज विच इज कॉल्ड कन्नड, राइट? आई बिलोंग टू हिमाचल बट आई एम स्पीकिंग अ लैंग्वेज विच इज Kannada, and I can speak very good Kannada for that matter, right or wrong? But no, I know majority of you like, oh my God, what is she speaking? Yes, tomorrow we'll speak in Tamil. Done, everybody. So we need a language which is uniform. We need a characterization which is uniform. We need a way where we uniformly put things so that everybody understands it. Yes or no? I know you did not understand. Yes, everybody. So, उसको करने के लिए एक order चाहिए, system चाहिए, एक order चाहिए कि मैं describe करूं, मैं identify करूं, मैं classify करूं, और मैं normal उसका नाम दूं, right? This is just to tell you that if everybody starts speaking in a different way, हर कोई identify करके, classify करके कुछ अलग अलग बनाएगा, तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा. So, systema, which means a order, which means a sequence. इसीलिए we are speaking mostly in English और Hindi, because these are the two languages जो सबको समझ में आएंगी. राइट. सो ये एक ऐसी टर्म है जिसको ऑफन लोग टैक्सोनॉमी के साथ इंटरचेंज कर देते हैं. जब मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूं वो टैक्सोनॉमी है, जब मैं उसको क्लासिफाई करती हूं वो अरेंजमेंट है, जब मैं उसको नेम करती हूं आइपोमिया बटाटास इट इज रेफर टू एज शकरकंदी नॉर्थ इंडिया, इन महाराष्ट्र दे कॉल इट रतालू, इफ आई स्टार्ट सेइंग इन पंजाब इट इज रतालू, Nobody will understand. I will go to the market and I will say, भैया एक किलो रतालू देना. Look at me, क्या बोल रही है. If I go to Nasik and I tell them, भैया एक किलो शकरकंदी देना. Understood? So there has to be a nomenclature which everybody understands. And I examine them. I see how it looks from outside. Are you understanding? Yes, everybody. Understood? पायल करने में attendance देती है nomenclature. So I have to have an order or a sequence. This is very interesting. I promise ये जितना boring लगता है ना दूसरे teachers के lecture में, मैं आपके लिए systematics और उतना tricks से भर देंगे इसको, कुछ याद नहीं करना और उतना इसको understanding बना देंगे. चलिए COVID-19. Yes. Otherwise you would have done a high five. Science deals with organism and all their comparative and evolutionary relationship. Now, we know that humans have evolved from chimpanzees, let's say Mary. So, is there a relationship? Yes, 99.9% of our DNA is same. So, there is a relationship. Can I compare? Can I compare that we look more like chimps or apes, right? The way we look, the way we walk. Yes, so when we compare, when we see the evolution, then we start putting them in different categories. Right, everybody? When we see them, then we start putting them in different categories, which is the basics of systematic studies, a description. I describe an organism. We identify the organism, describes taxonomy.
We identify it, we classify it, we give it a particular name, we look at the organism, ye kaisa hai morphology, and it's sabko systematics kehte hain. Taxonomy is just the description. When you describe it, jab aap usko classify karoge, uska naam doge, uski morphology padhoge, in sabko systematics kehte hain. Is that clear? Right? Chaliye. So let us look at it. Taxonomy. Taxonomy is a part of systematics. Right? Taxonomy is equal to systematics plus phylogeny. Yes, तो हमने मतलब evolution भी तो पढ़ना है कि कहां से आया, कैसे हुआ. So taxonomy is the study of identification, classification and nomenclature of an organism. Right? Identify कीजिए, classify करिए. किस कैटेगरी में आप उसको डालेंगे एंड उसका एक नाम दे दीजिए, नॉमेनक्लेचर, सो दैट इट बिकम्स यूनिवर्सली इजी फॉर एवरीबॉडी टू सी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. इट ओरिजिनेटेड विद प्लेटो, देन इट वेंट टू एरिस्टोटल हुज द फादर ऑफ जूलॉजी, देन थियोफ्रास्टस स्टडीड इट हुज द फादर ऑफ बॉटनी, एंड फाइनली कैरोलस लीनियस who's the father of taxonomy. In this paragraph say 500% one MCQ will come. Please underline it. Aristotle, who's the father of zoology, started with the great Plato. Why were they all, you know, related to each other? Because they believed in one school of thought. Aa raha hai bachcho, menti quiz bhi aa raha hai, thoda sa ruk jaiye, aur menti quiz bhi aap logo ke liye aa raha hai. Achha, pehle mujhe hearts bana ke ye bata dijiye, samajh mein aa raha hai? Are you understanding everybody? बस yes, yes or no में बता दीजिए. Understood? समझ में आ रहा है सबको? Yes, good, right? So, right? ये सारा कुछ identification, classification, nomenclature, जैसे कि मैंने बोला, ये सारा कौन सी बड़ी heading में fall करेगा? Obviously, taxonomy, description, arrangement, naming, ये सब कुछ systematics में. और finally, फिर मैं एक-एक करके, तो ये सारी चीजें systematics में fall करेगी. एक-एक करके, we will start from the beginning, तो हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे taxonomy से. Done, everybody? Yes. Neat, target, Dr. Adarsh, I remember you've been coming from day one. So, हम किस पे identify करेंगे? हम उनको identify करें कैसे? First, external and, देखो, internal structure तो हम बहुत बाद में पढ़ पाते हैं. Internal structure we can only read when you dissect an organism. अब non-living plants को तो dissect करना तो बहुत easy है, dissect कर दिए चलो. But animals को तो हम dissect नहीं कर सकते ना, animal bodies को. So dissection is a much later thing. The first and the most important thing, especially when it comes to plants which you need to study, are the external features or morphology. Morphology. Morphology science ही external features की है. उसके बाद जाकर anatomy आएगी when you look at the internal structures. Be it plant anatomy or animal anatomy. You will look at the cells, किस type के cells बने, how are they developing, मैं आपको evolution में पढ़ाऊंगी, how exactly does it develop from one cell, क्या seed से आ रहा है, क्या zygote से आ रहा है, कैसे develop कर रहा है, and ecological information, where does it stay, क्या वो desert का plant है, क्या वो tropical area का plant है, क्या वो rainforest का है, कौन से, so ये सारी चीजें, it's beautiful because मैं आपको इतने अच्छे examples लेकर ही कराऊंगी. So, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ड्राई है, but we will then put it in a lot of. तो देखिए, अब ये कौन सा आपको फ्रूट कैटेगरी में फॉल करेगा? विटामिन सी, आपको पता है, जैसे कीवी हो गया, बनाना हो गया, बेरी है, बेरी. आपको लगेगा ही नहीं कि बनाना बेरी है. इनफैक्ट आपको भी बाद में बताऊंगी मैं, रास्पबेरी बेरी नहीं है. राइट, रास्पबेरी बनाना है, तो वो ओवरी की पोजिशन पर डिपेंड करता है. So you will study the developmental process. कितने seeds हैं और ovary की position क्या है? Then you kiwi is a berry. Are you getting my point? It's very interesting because when I give you those examples, you'll be like, wow, right? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. So basic processes of taxonomy. How will you characterize, identify, classify, and nomenclature? How exactly do you do it? Now, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए बच्चों. In my classes, you will get beautiful mind maps. ये तो भी chapter शुरू हुआ है. It's just the beginning. तो हम इतना ज़्यादा mind maps पे focus नहीं कर रहे हैं. But मैं आपको अपनी हर एक class में आगे से आगे जैसे हम चलते रहेंगे, आपको बहुत अच्छे mind maps मिलेंगे और आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको मतलब एकदम हो जाएगा कि wow.
लाइक नेक्स्ट लेवल वाव फीलिंग हो जाएगी आप लोगों को, आई प्रॉमिस यू दैट, राइट। एक चीज, जैसे आज हम एक क्लास दे रहे थे जो अभी कल हो गई है, तो कल सुबह की एक क्लास है, आप अगर होगा तो जरूर अटेंड कीजिएगा, वेयर आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल द नोबेल प्राइज विनर्स। तो कहीं पर YouTube में यू विल नॉट गेट दिस। सारे नोबेल प्राइज विनर्स जो एग्जाम में 100% आते हैं, MCQs में आते हैं नोबेल, उनकी लिस्ट बनाकर अलॉन्ग विद कुछ मिसनॉमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर वो एल्गी है ही नहीं, वो एक बैक्टीरिया है। सो ऐसे मिसनॉमर्स की क्लास है, राइट। सो थिंग्स लाइक दिस वी विल कलेक्ट टुगेदर एंड वी विल ब्रिंग फॉर यू, इवन फॉर योर बैच आई विल डू अ लॉट ऑफ माइंड मैप्स विद यू। डन, चलो इसके बाद मेंटी भी आने वाले, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। So, characterization, taxonomy में सबसे पहले बेटा characters of organisms. This is a very important word. For example, बेटा अगर एक कोई भी organism है, उसके पास scales हैं body में। अगर कभी आपने कभी have you ever been to a place जहां आपको एक snake की छूटी हुई skin मिली है? कभी आप गए हो किसी जगह पे जहां मैंने छोटी सी इकट्ठी की है, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे फोटो डालूंगी, इतनी सी आप लोगों के लिए लाई हूं, अगर अभी दिखाओगे तो दिखाए, देखा है, हैव यू सीन स्नेक की स्किन? किसी पुरानी जगह अगर आप गए हो तो स्नेक। सो अगर आपके पास स्केल्स हैं, तो वो जनरली रेप्टिलिया को बिलोंग करेगा, जनरली, बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो। अगर आपके पास फेदर्स हैं, तो वो जनरली एवीज को बिलोंग करेगा। अगर मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो वो मैमल्स को बिलोंग करेगा। अगर आपने कभी वर्ड सुना होगा स्टोमेटा, सुना है वर्ड स्टोमेटा, लीव्स में होता है स्टोमेटा। अगर लीव्स बहुत थिक हैं, बहुत थिक है, और जो मैं गार्डन सीरीज कर रही हूं नेक्स्ट, इसके बारे में मैं बात करूंगी, थिक और बहुत कुशनी लीव्स हैं, बहुत मोटे मोटे हैं, दैट मींस वो डेजर्ट प्लांट है जिसने अपने अंदर वाटर को सेव किया है। सो वी डू लुक एट द कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर्स को हम जनरलाइज कर देते हैं, वी आर एबल टू जनरलाइज द कैरेक्टर्स एंड पुट देम अंडर वन category. So we look at the external and the internal structure of a cell. We look at the developmental processes. Developmental process, I will tell you. Now, क्या आपको कभी, सिर्फ दो मैमल्स हैं जो एग्स ले डाउन करते हैं, वन इज द डक बिल्ड प्लैटिपस एंड द अदर इज द स्पाइनी एंट ईटर। अदरवाइज मैमल्स जो हैं वो एग ले डाउन नहीं करते। सो कैन यू सी अ डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट, मेंटी आने वाला है, कैन यू सी अ डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंटल प्रोसेस? Yes, are you understanding that developmental process में भी difference है? Birds है, reptiles है, egg lay करेंगे, mammals है, placenta होगा, और mammals में भी there are certain animals जिनको हम प्रोटोथीरिया कहते हैं, every word I will explain, जिनके पास pouch होता है, for example the koala bear, for example the kangaroo, और अभी COVID-19 situation चल रही, सुबह मैंने newspaper में देखा, Adelaide which is in Australia, सड़के खाली और one kangaroo is happily jumping in Adelaide, right? So these are the developmental processes. In the identification, description is very important. जैसे for example, ये please चीज देखना, it's very important. मैं real life examples use करती हूँ अपनी class में, कोई किताबों की बातें नहीं करती। कितने बच्चे जो केरला से हैं, केरला का कोई बच्चा, anybody who's in Kerala, anybody who reads newspaper daily, तो आज आप घर जाना after my class या अभी, अभी घर क्या, आप तो घर में ही है, अभी आप एक काम करिए, कोजी कोड़े की एक फोटो, यानी कैलीकट की फोटो आई थी 2 या 3 दिन पहले, कैलीकट की न्यूज़पेपर में आई थी, और उसमें क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कैलीकट में बाजार के बीच में एक सिवेट कैट देखी गई, सिवेट कैट। तो अभी अभी कोई गूगल कर सकता है मेरे साथ में और रेस कर सकता है हाथ और बोल सकता है यस मैम हमने देखा है, कैलीकट में बाजार के बीच में एक सिवेट कैट की फोटो थी, और ये हर जगह न्यूज़पेपर में था लॉकडाउन में। सिवेट कैट इज अ वेरी 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 इंडेंजर्ड स्पीशीज। ये क्या करती है, सुबह जाती है और जो कॉफी के सीड्स होती है ना, इट ईट्स द कॉफी सीड्स। इसको पता होता है बेस्ट कॉफी कौन सी है। सिवेट कैट की जो कॉफी होती है वो सबसे वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी है। इट ईट्स द कॉफी सीड्स एंड इट टेक्स आउट द कॉफी सीड्स इन द फीकल मैटर बिकॉज दे आर नॉट डाइजेस्टेड। मॉर्निंग में लोगों का काम होता है टू गो गेट द कॉफी सीड्स विच द सिवेट कैट्स एक्सक्रीटा हैज, वॉश इट, प्यूरिफाइड एंड सेल इट इन द मार्केट। सो यू नीड टू डिस्क्राइब इट, किस शेप का है, साइज का है, स्ट्रक्चर का है। अगर मैं इससे आपको क्या पॉइंट बताना चाह रही हूं, बाई चांस वो ऑर्गेनिज्म यू हैव नॉट सीन फॉर 100 ईयर्स, आपने वो देखा नहीं है, और सडनली कई बार होता है ना, हम उसको इमेजिन कर रहे होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गया एंड वी री सी इट, तो हम इसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? वी हैव नॉट सीन इट फॉर 100 ईयर्स। अंडरस्टैंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग स्लो एंड स्टडी फॉर यू। वी हैव नॉट सीन इट फॉर 100 ईयर्स।
There is no record of the organism, but we have a description. So if you re-see it, can you read the description again, yes or no, on my screen? If you re-see it, Google में देखा आपने अभी, अगर आपने उसको, तो will you be able to, अगर आपने उसको दोबारा देखा, will you be able to describe it and characterize it and put it in the same category? That is why for identification of a species, जैसे कि अगर आप जाओगे वेस्टर्न घाट्स में, राइट, अगर आप वेस्टर्न घाट्स में जाते हो जैसे, तो वेस्टर्न घाट्स में बेटा एम्फीबियंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो आप नए फ्रॉग्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? यू हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड फ्रॉग. इफ इट डज नॉट मैच विद द डिस्क्रिप्शन, यू विल पुट इट इन द न्यू टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अगर तो वो ओल्ड फ्रॉग से डिस्क्रिप्शन मैच कर गया, यू विल पुट इट इन द ओल्ड कैटेगरी. इफ द डिस्क्रिप्शन डज नॉट मैच विद द ओल्ड कैटेगरी, यू विल पुट इट इन अ न्यू टैक्सोनॉमिक category. So description is very important. Biologists, taxonomists, people who study systematics focus on detailed description. External, internal, self. Are you able to connect the lines together? Only then will you be able to classify. अगर आपने उसको describe ही नहीं किया, आप उसको कैसे classify करोगे? फिर वो organisms जो same में हैं, आप उनको group कर लोगे, describe करोगे, then you will know the similarities and the difference. Yes or no? Thank you, Adarsh. Are you understanding, everybody? अगर आपने उसको identify किया, तो आपको पता है similarities कौन सी और difference कौन से, फिर उस हिसाब से आप उसको categorize करोगे. और जब आपको पता चल गया कि ये particular category है, आप उसकी scientific naming कर दोगे. So these two are very important. This becomes easy. That is why I'm focusing on this chapter, because अगर ये chapter strong हो गया, basic strong हो गए, तो बाकी का काम तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा. अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? नाउ व्हाट इज द वे, व्हाट इज द वे वी डू इट? हायरार्की. एवरीथिंग हैज अ हायरार्की इन लाइफ, राइट? एवरीथिंग, यू हैव टू फॉलो अ सर्टन ऑर्डर, राइट? विदाउट ऑर्डर देयर इज गोइंग टू बी मेहम. सो देयर इज ऑलवेज अ लेवल. यू गो फ्रॉम द बॉटमेस्ट टू द हाइएस्ट. That is there in anything that you tend to do, there is a order. तो अगर आपने मान लीजिए आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो सबसे पहले आप गली क्रिकेट खेलेंगे, right? फ्रेंड्स के साथ बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत गली क्रिकेट खेलेंगे, फिर गली क्रिकेट से एक लेवल आप, हाँ, फिर आप अपनी सोसाइटी के आप मेन प्लेयर बन जाएंगे. सो एवरीबडी इज लाइक, अरे वाह वाह वाह, पीयूष हमारी सोसाइटी में, तनवीर हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो आपको सोसाइटी के मैचेस में बुलाया जाएगा. वहां से फिर आप स्कूल के कैप्टन बन जाएंगे, स्कूल में कैप्टन, अरे वाह वाह वाह, फिर आप रणजी प्लेयर, राइट, रणजी लेवल खेलेंगे, स्टेट में जाएंगे, फिर स्टेट में जाएंगे, हो सकता है आप नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो जाएं. पहले तो 2-3-4 साल आप रणजी खेलेंगे, फिर आप नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो जाएंगे. फिर नेशनल लेवल में थोड़ी देर आपको ऐसे बाहर बैठना पड़ेगा, फील्डिंग का काम देंगे, राइट, बॉल साफ करने का काम देंगे, किट उठा के जाने का काम देंगे. फिर अगर आपने वो बहुत थोड़ी देर तो बैठते रहेंगे आप, यस, चांस ही नहीं आएंगे, नंबर 11, 12, 13 खेलेंगे. हो सकता है फिर आप बीच में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन जाए, फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वाह वाह वाह. हो सकता है फिर आप ओपनिंग बैट्समैन बन जाए कल को टीम इंडिया में, यस. हो सकता है आईपीएल में सबसे ज्यादा आपको ही, सारी टीम्स आईपीएल में आप, सो दैट इज मैक्सिमम इज आईपीएल और टीम इंडिया. टीम इंडिया इज द हाईएस्ट, नो, नॉट इवन आई. सो दीज आर द लेवल. स्टार्ट कहां से हुआ? गली क्रिकेट से. सो हर एक चीज के ऐसे लेवल्स होते हैं, राइट? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. टुडे आई विल टीच यू इन बेसिक्स. Tomorrow's lecture, we will do even more tricks on this. Are you understanding? Yes, there's a very easy way. The King wala, King Philip wala. Bohat Tanveer, how are you? Bohat easy way hai wo yaad rakhne ka. Is that clear? But abhi main aapko koi tricks nahi dungi beta. Ye trick ki lecture nahi hai. Ye understanding ka lecture hai. Are you understanding? Tricks baad mein hote rahenge. Ek baar hume samajh mein aa jaye, to hum tricks jo hai, wo hum sare ke sare daily live lecture hoga hamara. Understanding? Chalo. So, सबसे पहले हम शुरू करेंगे किंगडम, फिर आते हैं हम फाइलम, फिर आएंगे हम क्लास, फिर आएंगे हम ऑर्डर. देखो ऑर्डर पे बात करते करते हम यहां तक तो पहुंच गए. फिर आएंगे हम फैमिली, जीनस और स्पीशीज. स्पीशीज वो होती है जिनमें सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज, वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इज द स्पीशीज. मैक्सिमम डिफरेंस, no relation to each other is the kingdom. Phyla will obviously common. इसमें common है, पर इसमें कितने होंगे? इसमें common character दो, तो इसमें common characters are going to be 200, right? Kingdom Animalia में सारे animals हैं. वो animal एक unicellular animal भी हो सकता है, वो elephant भी हो सकता है.
Are you getting my point? So Kingdom Animalia is the lowest form of the recognition. Lowest form. Hum sab kya hai? South Asians. Right? South Asia mein kya aega? India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Sri Lanka. Right? South Asia. South East Asia aur chota kar diya. Right? Uske baad hum sab finally kya hai? Indians. Woh Indians ho gaya species. Aur jo lowest level of हम सब साउथ एशिया एशियंस भी तो हैं पर एशियंस में कौन आएगा चाइनीज भी आएंगे अफगानिस्तान के भी आएंगे पाकिस्तान भी आएंगे नेपाली भी आएंगे बांग्लादेश भी आएंगे सो आपका एशियन हो गया किंगडम और इंडियंस हो गया स्पीशीज अंडरस्टूड यस एवरीबॉडी कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक ये भी है इसका कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक बट ये दिस इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिनमें थोड़े कम फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स क्लास मैमेलिया पाइसीज एम्फीबिया रेप्टीलिया इनके पास नोटोकॉर्ड होती है नोटोकॉर्ड क्या होता है आई विल टेल यू नोटोकॉर्ड इज द बैकबोन द बैकबोन की जगह एक चीज बनती है जिसको नोटोकॉर्ड कहते हैं राइट इनकी डिटेल हिस्ट्री मैं आपको बताने वाली हूं अभी देन जब आप इनको और ग्रुप्स ऑर्डर्स प्राइमेटा कार्निवोरा जो हंट करेंगे बिलोंग टू अ क्लास कॉल्ड मैमेलिया दैट मींस प्राइमेटा और कार्निवोरा दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड्स होंगे तो एक कॉमन कैरेक्टर और मिल गया दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जिनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग कर रहे हैं फैमिलीज कॉल्ड कॉन्वोल्वेसी सोलानेसी बिलोंग टू पोलोमोनी अब यहां पर पता है क्या होता है बेटा यहां पे आपको ये याद रखना पॉलिनोमियल्स वगैरह में इनका जो लीफ का शेप है वो सेम होगा इनकी फ्लावर का स्ट्रक्चर सेम होगा इनके रूट का स्ट्रक्चर सेम होगा तो आपने इनको और पास ले आए अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी राइट कॉमन कैरेक्टर्स आर मैक्सिमम एट स्पीशीज एंड जनरल कैरेक्टर्स आर मैक्सिमम एट किंगडम करेक्ट एवरीबडी आगे चलते हैं अब और क्लोज जीनस आ गया जीनस सोलाना पिचुनिया डतुरा अब मैंने थोड़े दिन पहले कहा था इनके जो सेपल्स होते हैं ना जो फूलों के सेपल्स वो ऐसे अलग अलग नहीं होते ऐसे फ्यूज्ड होते हैं तो इन सब में ऐसे होंगे बेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं बेल शेप पर ये है अलग अलग जीनस देखो ऐसे बेल शेप्ड फ्लावर्स अलग अलग पत्तियां नहीं होंगी राइट फिर और पास ले पैंथरा एक जीनस है पैंथरा के अंदर पैंथरा लियो या पैंथरा टिग्रिस करेक्ट मैग्नीफेरा आपका जीनस होगा और इंडिका स्पीशीज होमो जीनस स्पीशीज सेपियंस स्पीशीज जो है वो आपस में ब्रीड कर सकती है ब्रीड ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है दे कैन फ्रीली इंटरब्रीड दैट मीन्स नाउ जब मैंने बात की थी बच्चों आपसे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करी थी ना अभी दो मिनट पहले इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की बात तो मैंने आपको क्या कहा था इंटर मीन्स टू हॉर्स एंड डोंकी बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीशीज कितने बच्चों को याद है मुझे बताओ चलो आई एम गोइंग टू द कॉमेंट सेक्शन कितने बच्चों को याद है इंटर स्पेसिफिक बताओ दो अलग अलग स्पीशीज इंटर स्पेसिफिक तो क्योंकि फिर मैंने आपको बताया था कि यार वो जो है वो बच्चे स्टेराइल पैदा करेंगे बिकॉज दो अलग स्पीशीज है क्रोमोसोम नंबर सेम है स्पीशीज सेम होगा तभी वो ब्रीड करेगा तभी वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा नेचर में शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स व्हाट इज अ एड एनीथिंग व्हिच हेल्प्स मी फॉर एग्जांपल दीज टू थिंग्स हेल्प मी टू मेक अ गुड नोट सो दीज आर नोट एड्स Right? They help me make a good note. So these are note aids. Is it not? So similarly, if I want to classify something, if I want to put the animal or the plant in a particular category, I require some information. I require something ki main isko kaun si category mein daalun. So the techniques, the procedures and the stored information that are useful in identification and classification of organisms. I will show you herbariums ke diagrams where we have sheets. 2016 mein first question herbarium pe aaya tha, NEET 2016 mein. So, all the techniques or the procedures jo mujhe chahiye, jo mujhe help karenge when I need to identify and classify. Do you all recognize my voice? राइट अगर बहुत लोग बोल रहे हैं और कहीं पे आपको वाणी मैम की आवाज सुनाई देती है जो मेरे पुराने बच्चे हैं आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज मी विद माय वॉइस
यस, पहली बात तो आपको हाइट से पता चल जाएगा वो जो सुपर टॉल मैम है. Yes, but you're all also able to recognize me with the help of my voice. That's an aid in recognition of Vani, ma'am. Yes, everybody. So taxonomical aids are nothing but herbariums, botanical gardens, museums, zoological parks, keys. Each one of them, let's discuss them in detail. Right, everybody, all of them. See how we have stuffed animals here. I also tried to show you some stuffed animals in today's class. In the evening, I will again on the community page in Telegram group put some more photographs. Now what is a herbarium? बचपन में हम सब ने ये किया हुआ है. In between books we used to leave a leaf and after some time it used to be dried. Have you all done it? Made candles out of it in your summer vacations. How many of you have done it? Make a heart. You know, कभी leaves मिले, especially bougainvillea and all, you put them in between books and after some time you see, wow, it's very well preserved. We've done it and then we've used the flowers, the petals to make wax candles. Summer vacation, holidays, we've all done it. That's something what a herbarium does. Probably herbarium is more scientific. What is more scientific? Kab collect hua? When did we collect it? What is the date of collection? What is the place of collection? All of this. And a very scientific, they use preservatives so that it can be preserved for a longer period of time. They arrange it very well in the form of shelves. So all of this is done in herbarium. It's a storehouse of collected plant specimens. Plant specimens. Right, that are dried, pressed and preserved on sheets. There are a lot of plants which are very native to India. Magnifera indica, right? There are a lot of plants which are very native to India. They are native to the Indian subcontinent. Deodar is very rarely found anywhere else, right? Acacia, babool, these plants are very native to the Indian subcontinent. So therefore, when we have to preserve in botany, I will teach you these plants. Right, everybody? Indigo is very native to the Indian subcontinent. Obviously, it's also now found in certain Mediterranean countries, but it is very native to the sub. So in plants ko hum dry, preserve, press karke rakhte hain and then we study about them. Sheets are arranged according to universally accepted classification system. Jo sari world ek classification system follow karti hai, us hisab se hum unko, you know, there are big storehouses where manuscripts and manuscripts of them are store. In fact, label laga hua hota hai, jis pe NEET 2016 ka question aya tha. Very important. We have the information, kis date ko collect kiya? What is the place from where I collected this? English local and botanical names are used. The English name, the local name and the botanical names. Kis family ka hai aur kis collector ne, who is the person, who is the botanist jisne isko collect kiya. It is used as a reference in scientific studies. Is leaf ki shape kaisi hai, pinnate hai, palmate hai, all these words I will teach you. Is that clear? They use a metallic cupboard and they store in it. Very important. Understood? So this is how they store it with all the information read, dried, pressed, conserved. Very important, herbarium. Right, everybody? Now, the important herbarium of the world, and this is again important from MCQ point of view. This is an MCQ. This is a MCQ. This is a MCQ. And this is a MCQ. Is that clear, everybody? I have seen this and it's a beautiful one. This I have personally visited. The rest I have not visited, but this I have personally visited. And if you stay in Coimbatore, if you stay in Metropolitan, you stay around that area, anybody from Coimbatore, you must go to this. It's really, really nice. So Royal Botanical Gardens are one of the world's biggest botanical gardens. Kew, London mein hai. Largest herbarium hai. 6.5 million herbarium species yahan par available hain. Jise English oak ho gaya beta, ye bahut English variety hai. Willow tree ho gaya, jise bats bante hain. Ye bahut English varieties hai. They're not found anywhere else. You get my point? So they have to have unka conservation. They should know kahan par hai, kaise origin kiya. Museum of Natural History, which is in Paris, over 6.0 million. Conservation at Jardin Botanicals de Genève, looks like Switzerland, 5.0 million. New York Botanical Garden, 4 million. India ka Central National Herbarium, National Herbarium, isko pehle Jagdish Chandra Bose Herbarium bhi kaha jata tha. Madras Herbarium, 1,50,000. And Herbarium of National Botanical Research Institute, NBRI kehte hain isko. NBRI. तो पूछा जाएगा NBRI कहाँ है? लखनऊ में है. National Herbarium कहाँ पर है? कोलकाता में है. Is that clear? क्यों कहाँ पे है? सबसे बड़ा कौन सा है? ये तीन MCQs के favorite question है.
मद्रास हर्बेरियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अंडरस्टैंडिंग, गिव मी अ लाइक माय डियर चिल्ड्रन. नोटिफिकेशन नहीं आ रहा पायल पर, आपको पता होना चाहिए बेटा हमारा जो क्लास है वो आपका क्लास होगा ही होगा 8, 10, 5, 9. नोटिफिकेशन नहीं आ रहा बिकॉज ना यूट्यूब का थोड़ा ग्लिच चल रहा है, राइट? तो मैं इसलिए मैं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन देती रहती हूँ. ये टैक्सोनॉमिकल इज बोटानिकल गार्डन लाइक दिस, यू नो ऊटी में बहुत अच्छे बोटानिकल गार्डन है. एनीबडी इज बीन टू ऊटी यू वुड हैव सीन ऑल ऑफ दिस. गुड इवनिंग एवरीबडी. यस, एंड हर्बेरियम की शीट का साइज होता है 29 × 43 cm, राइट एवरीबडी? चलिए लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, एनी डाउट्स टिल हियर? यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? हर्बेरियम मैंने आपको बता दिया, बोटानिकल गार्डन में स्टोर होते हैं हर्बेरियम्स जिनकी शीट्स होती है मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आते, सी दिस इज अ फ्लोटिंग लिली. कितने बड़े लीव्स होते हैं, क्यू की फोटो है, क्यू में ये बहुत उगते हैं. दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ क्यू. सो कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट स्पीशीज, लिविंग प्लांट स्पीशीज, राइट? अगर कोई यहाँ पे देहरादून से है, मेरी क्लास में कोई बच्चा है जो स्पेशली देहरादून में, तो देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है जिसको FRI कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी बोटानिकल गार्डन है जिसके अंदर दे आर ग्रोइंग गिंको बिलोबा जो कि एक लिविंग फॉसिल है. सो गिंको बिलोबा का एक बहुत पुराना स्पेसिमन इज ग्रोन एट द FRI इंस्टीट्यूट अगर कोई बच्चा देहरादून से है, राइट? अच्छा, हल्द्वानी से बच्चे हैं, क्यों तो इंग्लैंड में है, राइट एवरीबडी? यस, यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट. सो लिविंग प्लांट्स को उगाते हैं जिसकी वजह से वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्लांट. ईच प्लांट इज लेबल्ड. आपने देखा होगा अगर आप किसी बोटानिकल गार्डन में गए हो तो आपने, यू मस्ट हैव सीन, ये पेड़ है बड़ा सा, इंडिया में तो वी ऑल सीन है, यहाँ पे एक ब्लू कलर का ऐसे लग या एक ब्लैक कलर का लगा होता है, उस पर नाम लिखा होता है, नेम. हैव यू सीन इट? मैग्निफेरा इंडिका ऐसे लिखा होगा. हैव यू ऑल सीन इट? कम ऑन, रेज योर हैंड्स. So, identification of plants के लिए there is a botanical name and the family. The important functions of botanical gardens are local flora and flora grow करना, keeping record of the local flora, right? Local flora का पूरा record maintain करना, living plant material. Bangalore में अगर जो बच्चे हैं, so Bangalore में botanical gardens हैं. Yes, everybody, हर एक जगह पर we have good, and I'm sure you have seen this. एक लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर सिस्टमैटिक वर्क. लिविंग प्लांट से आइडेंटिफिकेशन करना, यू लुक एट द लिविंग प्लांट, अच्छा हाँ मैच कर रहा है, राइट? सीड्स मटेरियल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोटानिकल रिसर्च. प्लांट्स के सीड्स देना, प्लांट का जाइलम फ्लोएम कई बार देना, लीव्स देना, स्टेम देना, रूट कटिंग देना, सो दैट यू आर एबल टू रिसर्च. एंड ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेयर एंड इनडेंजर्ड प्लांट्स are usually grown at such areas, right everybody? So that is the function of the botanical gardens. Very rare plant, endangered plant. अगर कोई काजीरंगा गया, anybody who's been to Kaziranga, raise your hands please. तो काजीरंगा से just 3 or 4 kilometers from Kaziranga National Park, which is a national park for the rhinoceros, right? One-horned rhinoceros, huge national park in India. There is a orchid garden which happens to be one of Asia's biggest orchid garden. Yes, so all the rare endangered plants are usually grown at such areas. So botanical gardens of the world, which are very important, जो आपको पता होने चाहिए, थोड़ी सी मैं mark करवा देती हूँ. Largest garden है, सबसे ज़्यादा botanical garden, सबसे बड़ा है main botanical garden, Moscow. क्यों तो MCQ में बहुत आता है, Moscow वाला नहीं आता. Indian botanical garden, Sippur in Kolkata, largest botanical garden of Asia. MCQ का फेवरेट क्वेश्चन है, लॉयड बोटानिकल गार्डन इन दार्जिलिंग, ये इतना एग्जाम में नहीं आएगा. एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन इन लखनऊ, MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है. सो 3 MCQs, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे यू विल सी दीज 3 MCQs. एनी डाउट्स? XC2 NC2 वी विल कम टू इट बच्चों, राइट? तो बोटानिकल गार्डन में एंडेमिक स्पीशीज भी होती है वहां की, नेचुरल लोकल, और बाहर की स्पीशीज लाकर ऑल्सो वी ग्रो इन द बोटानिकल गार्डन. चलो टैक्सोनॉमिकल एड्स और म्यूजियम्स. म्यूजियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो म्यूजियम्स की फोटोज ही मैंने आपके साथ सुबह शेयर की थी. स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंडन, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल म्यूजियम वॉशिंगटन, राइट? शुगरलैंड म्यूजियम, स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क इन ईस्टर्न टेनेसी. तो ये सारे म्यूजियम्स हैं. द म्यूजियम जो एग्जाम में आते हैं वो ये दोनों हैं.
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम भी आता है कानपुर में, का हाफ स्टार हियर, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर इंपॉर्टेंट, एंड इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता इंपॉर्टेंट. ये दोनों म्यूजियम तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आते हैं. हाउ टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप बच्चों, वेदांतु अंडरस्कोर बायोटॉनिक, एंड हाउ टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द लेक्चर्स. आई होप आप सारे के सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो. सो सारे प्रिजर्व्ड एनिमल्स को म्यूजियम में रखा है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या क्या होता है एक म्यूजियम में, वॉट ऑल इज देयर, राइट? तो स्पेसिमेंस आपके प्रिजर्व्ड होंगे प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन में. मेंटी आने वाला है 5 मिनट्स में, राइट? प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन इज यूजुअली फॉर्मेलिन कंटेनर्स और जार्स में. ये सेम है जो आपका बायो की लैब्स में भी होता है, राइट? बायो लैब्स, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड होते हैं बॉक्सेस आफ्टर बॉक्सेस ऑफ बटरफ्लाइज बीटल्स इंसेक्ट्स. किल करके बेचारी बटरफ्लाई और इंसेक्ट को ऐसे पिन कर दिया जाता है बॉक्सेस के अंदर, ऐसे पिन. लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स को स्टफ कर दिया जाता है, स्टफ, राइट? कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स. तो आज मैं क्लास के बाद आपको एक पफर फिश का प्रिजर्व्ड स्केलेटन कम्युनिटी पेज पे और टेलीग्राम पेज पे पोस्ट करके दिखाऊंगी. पफर फिश का प्रिजर्व स्केलेटन राइट आफ्टर द क्लास. सो सी दीज आर स्टफ्ड एनिमल्स, रेनडियर्स, डियर्स, राइट? ऑल ऑफ देम आर स्टफ्ड एनिमल्स. सो स्टफ हो सकते हैं जार्स में, हो सकते हैं सी. इंसेक्ट्स कैन बी पिंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स आर जूज. वन ऑफ द बिगेस्ट जूज इन इंडिया इज इन मैसूर. तो अगर कोई मैसूर का बच्चा है तो मैसूर में बहुत फेमस जूज हैं. Zoos basically are not really the right place to keep animals because yes, आपने अभी join की पंकज कुमार रॉय, right? मेंटी आखिर में होगा बिल्कुल. So zoos जो है, zoos are not really the right place because zoos में they are caged and they are kept. So wild animals are basically kept here. This is also for some sort of money earning, right? Or some sort of establishment where बेचारे animals जो बहुत rare है उनकी artificial breeding करवाने के लिए उनको रखा गया है. But they are under human care, right? हमें पता चलता है कैसा food खाते हैं, food habits क्या है, उनकी behavior study करने का तरीका है. But it is not the ideal thing. Ideal is to let them grow or let them be there in the wild. Understood? It is not zoological parks or zoos are not the ideal ones. This is very important now. Very, very important. Yes, NCERT में है, solution जो होता है, वो formalin होता है. It is a formaldehyde. It does not allow the organism to get degenerated. Decompose नहीं होने देता. Taxonomical aid where plants and animals are recognized on basis of their contrasting characteristics. अब मान लो मेरे पास एक लीफ है. I have a leaf. उस लीफ में दो तरह की विनेशन हो सकती है. विनेशन क्या होता है? Xylem और phloem किस तरह से है? तो ये मेरे पास एक लीफ है. हो सकता है विनेशन इस तरह से हो, राइट? इट्स लाइक अ नेटवर्क. देखिए एक नेटवर्क की तरह है. अगर एक नेटवर्क की तरह है तो मैं इसको रेटिकुलेट कहूंगी. What will I call it? Reticulate. और अगर ये ऐसे है तो मैं इसको parallel कहूंगी. हो सकता है कि मेरे पास एक और plant है, इसका root system ऐसा है. अगर root system ऐसा है तो I am going to call it tap root system. और अगर root system ऐसा है तो I am going to call it from one point fibrous root system. So ये दोनों contrasting characters हैं. हो सकता है seed is a monocot और seed is a dicot. Yes or no? Right everybody? Are you understanding? धीरे धीरे चमक गया. Intenser. Yes. कितने बच्चों को चमक रहा है अभी तक? कितने बच्चों को एकदम लाइक क्लियर हो रहा है टैक्सोनॉमी? चमक रहा है तो बच्चों एक बार हाथ बनाओ चलो. कितने बच्चों को मेंटी आ रहा है? बच्चों मेंटी आ रहा है. मैम पढ़ा तो ले फिर मेंटी भी करा देगी. चमक क्रिस्टल क्लियर हो रहा है. सान्या, प्रहलाद, जसमीत, आदर्श, गुरलीन, अनुजा, लक्ष्य कोटवानी, थैंक यू, अंजलि दुबे, चिन्मय, देवांशी, एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, गुड. तो एक बार रीकैप करवा देते हैं. चलो रुको, आई गेट अ रीकैप था, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो मेरे पास एक मैजिक रिमोट है जिससे हम रीकैप कर लेते हैं. तो हम एक बार फटाफट से रीकैप कर लेते हैं. देखो हमने यहां से और ये रहा मेंटी. मेंटी आएगा पर हम थोड़ा पढ़ ले तो मेंटी आ जाएगा, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़े.
क्या होते हैं टैक्सोनॉमिकलीज, वो सारी चीजें जो मुझे हेल्प करेंगी एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, मैं उनको एक नाम दे दूंगी टैक्सोनॉमिकल एड्स. दे आर गोइंग टू हेल्प मी, जस्ट लाइक मैंने आपको पेन और नोट्स दिखाए थे, बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प मी टू मेक गुड नोट्स. सबसे पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है हर्बेरियम. जो भी मैं ड्राइड फ्लावर्स पेटल्स, ड्राइड स्टेम पार्ट्स, एनी गुड पार्ट ऑफ द प्लांट जिसको मैंने ड्राई किया, प्रिजर्व किया, एक पेपर पे लगा दिया, उस पेपर पे मैंने ये भी लिख दिया, आई ऑल्सो रोट फ्रॉम वेयर डिड आई कलेक्टेड, वॉट इज द प्लेस ऑफ कलेक्शन, आई विल राइट द इंग्लिश नेम विलो, द लोकल नेम, द बोटानिकल नेम, आई विल राइट द नेम ऑफ द कलेक्टर वन ही कलेक्टेड इट, राइट, एंड आई विल यूज इट एज अ रेफरेंस फॉर माई साइंटिफिक स्टडीज. All of these are areas where there are herbariums. Out of all of them, the one in Kolkata and the one in Lucknow is really important for you, and the one at Kew also questions come. So taxonomical aids, number two is botanical gardens. In the botanical gardens, I grow specimens. जो स्पेसिमेन मैं बोटानिकल गार्डन में ग्रो करती हूँ, दे कुड बी फाउंड एट दैट एरिया, या मैं कहीं दूर से कोई बड़ा अच्छा सा स्पेसिमेन लेकर आई हूँ और वहां लगाई हूँ. अगर आप में से कोई ऊटी गया है, ऊटी, तो ऊटी में फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मैं वो फोटोग्राफ्स आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ऑन द कम्युनिटी पेज, मैंने रुद्राक्ष के पेड़ देखे. हाउ मेनी ऑफ यू सीन रुद्राक्ष गोइंग ऑन अ ट्री एंड यू प्लक्ड द रुद्राक्ष एंड गॉट इट बैक होम, एक्टोकार्पस टाइप होता है. तो मैंने पहली बार रुद्राक्ष के पेड़ देखे, कैन यू इमेजिन, एंड दे आर रियली टॉल. रुद्राक्ष द बीड, द रुद्राक्ष ट्री, आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बोटानिकल गार्डन इन ऊटी. इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो बोटानिकल गार्डन में लोकल पेड़ भी उगते हैं और बाहर के स्पीशीज के पेड़ भी उगाते हैं हम. दे गिव अस इंफॉर्मेशन, दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स. इज दैट क्लियर? सो ऐसे इंडिया में बोटानिकल गार्डन है कोलकाता में एंड नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में. देन अगर हम आगे बढ़े, वी कम टू म्यूजियम्स. म्यूजियम में यू कैन हैव अ स्पेसिमन बेचारा जिसको हमने पिन कर दिया है, बटरफ्लाई को, बीटल को. एक स्पेसिमन हो सकता है हमने उसको लिक्विड में डाल दिया है, जार्स में, किसी को हमने पिन कर दिया है और किसी को हमने स्टफ कर दिया, लाइक द फोटोग्राफ विच आई शेयर्ड विद यू. देन व्हेन वी गो अहेड, वी हैव ज़ूज एज़ टैक्सोनॉमिकल एड्स वेयर वी कैन आइडेंटिफाई अ वेरी बिग ज़ू. दिल्ली हैज़ अ रियली बिग ज़ू एंड मैसूर हैज़ अ रियली बिग ज़ू. मैसूर ज़ू इज वेरी फेमस. इफ एनीबडी इज फ्रॉम मैसूर, दे वुड नो द मैसूर ज़ू इज वेरी फेमस, राइट एवरीबडी? बट ज़ूज़ आर नॉट द आइडियल प्लेस बिकॉज़ दे आर अंडर ह्यूमन captivity, right? But we identify them, अगर उनकी breeding करनी है, then we know it, उनकी eating habits study करने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है. Finally, we come to key. Key का मतलब क्या होता है? If I want to open a lock, I need key. So if I want to finally identify something, I need a key. मुझे key की जरूरत है for final identification. Key usually कैसे होती है? देखो, key आपको lead करेगी. तो एक क्या होता है? की जो होता है ना, वो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर होता है. किसके ऊपर होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. अब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैसे होते हैं बेटा, देखो, राइट? मतलब अगर मैं एक प्लांट देख रही हूं, तो मैं प्लांट को बोल सकती हूं कि इसके पास नैरो लीफ है या ब्रॉड है. तो मैं बोलूंगी लीफ ऐसा है या लीफ ऐसा है, नैरो है या ब्रॉड है. सो दीज आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग. इफ आई टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, आई वांट टू आइडेंटिफाई अ ह्यूमन बीइंग, आई विल टॉक वेदर दैट पर्सन इज टॉल और शॉर्ट. देन यू से अच्छा ही इज शॉर्ट. देन आई से वेदर इट्स अ मेल और अ फीमेल. इट्स अ मेल, ओके, राइट? सो दैट्स हाउ वी विल मूव अहेड. मिडिल एज्ड और यंग, यू से ओ नो मिडिल एज्ड, ओके. देन आई से ग्रे हेयर्ड और ब्लैक हेयर. सो दे आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. व्हेनेवर आई हैव अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आई कॉल इट अ कपलेट. व्हाट डू आई कॉल इट? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपोजिट स्टेटमेंट्स. एंड हर एक, अब देखो, जैसे मैंने आपसे पूछा, ठीक है, आपने बोला अच्छा मेरे घर में चोरी हुई, मैंने कहा आपने चोर को देखा? आप कहोगे हाँ जी, आई सॉ द थीफ. आई सेड ठीक है. अब आप, मैं आपको बोलूंगी इज इट अ मैन और अ वुमन, आप कहोगे मैन, ओके. तो वुमन हट गई, तो ईच पार्ट इज अ लीड. फिर आप वुमन को हटाई दोगे, सीसीटीवी कैमरा में देखोगे मैन है, हटा दिया वुमन, ठीक है मैन है. यंग बॉय, मिडिल एज, ओल्ड मैन, आप कहोगे मिडिल एज, ठीक है. तो यंग और ओल्ड हट गए, देन वी आर लीडिंग टुवर्ड्स मिडिल एज, ठीक है. देन वी विल से फैट और एथलेटिक, आप कहोगे एथलेटिक, ठीक है एथलेटिक. टॉल और शॉर्ट, आप कहोगे टॉल, ठीक है, ओके, डन. दाढ़ी मूछ थी या दाढ़ी मूछ नहीं थी? तो इट इज लीडिंग यू टू द क्रिमिनल. दैट्स हाउ दे मेक द स्केच. हैव यू सीन द स्केच मेकिंग? CID वाले एपिसोड में सबने देखा होगा. यस एवरीबडी, इट्स नॉट बफरिंग. एंड बिल्कुल मिलेगा बच्चे, बिल्कुल मिलेगा आपको, PDF मिलेगा, बफर नहीं कर रहे. सो ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लीड. नैरो लीड, फिर आप कहेंगे बेल शेप्ड फ्लावर है या ट्रम्पेट शेप्ड है, करेक्ट? तो एक एक करके वी आर लीडिंग आर इंटायर इन्वेस्टिगेशन टुवर्ड्स द कल्प्रिट. सेपरेट कीज फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज
हर किसी के लिए अलग अलग की होती है. अच्छा, लीफ के नीचे स्टिप्यूल है या नहीं है? स्टिप्यूलेटेड है, ठीक है. पॉइंट नंबर, रेटिकुलेट विनेशन है या पैरेलल? पैरेलल विनेशन है, हटा दो. पैरेलल स्टिप्यूलेट मतलब रेटिकुलेट और नॉन स्टिप्यूलेटेड वाला लीफ नहीं है. इट इज यूज टू क्लासिफाई योर ऑर्गेनिज्म. सो जब मेरे पास दो चीजें एक साथ है, आई कॉल इट अ कपलेट. कपलेट आर ऑलवेज ऑपोजिट स्टेटमेंट. आप ये नहीं कह सकते रेटिकुलेट विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन. अगर आपने रेटिकुलेट कहा तो दूसरा पार्ट क्या होगा आपका? पैरेलल विनेशन. ईच पार्ट इज कॉल्ड अ लीड. सो दैट्स योर टैक्सोनॉमिकल एज. इवेंचुअली आप आंसर करते 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 फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे. अगर आप कभी लॉन्ग टर्म लोगे या आपने वैसे पढ़ना है, आपको पता है मेरी क्लासेस अवेलेबल है. देखो, आपको कई बार सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लानिंग प्लान में 49 rupees का अवेलेबल है. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस 49 rupees. ऐसे ऐसे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ 19 rupees का, ताकि आप जाकर एक बार प्लेटफॉर्म देख सको. पर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, अगर आप हमसे पढ़ोगे ना, तो हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम कभी भी बच्चों को ठगेंगे नहीं. आपको पता है वेदांतु ने सिर्फ एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है इंडिया लर्न, जिसमें हमने 15 crore की स्कॉलरशिप्स किए. वी गोइंग टू बी अडॉप्टिंग चिल्ड्रन हु समहाउ हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन COVID-19. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट बिकॉज ऑफ दिस वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस, हमने आपको प्रॉमिस कर दिया आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती. क्योंकि जैसे आप हमारे पास पढ़ने आओगे, हम आपको टीचर, क्लास टीचर, पर्सनल टीचर, स्टूडेंट अकाउंट मेंटर, हम आपके टेस्ट, डिस्कशंस, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, लाइव टीचिंग, रेगुलर डाउट डिस्कशंस इन क्लास, आफ्टर द क्लास अनलिमिटेड डाउट्स, ये सब देंगे. हम कोशिश करेंगे कि आप बस पढ़ते चले जाओ, और अगर आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती, वी प्रॉमिस टू रिटर्न योर मनी. वी विल टोटली रिटर्न योर मनी, राइट? द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इज नॉट एज पर योर you know expectations. We will totally return your money. See, it's not as per your expectations. We will return the course fee paid to us, no questions asked. This is the Vedanta improvement promise. So main hamesha kehti hu, agar aap aaoge, you will be able to sit in my classes, you'll be able to ask me doubts, you'll be able to see my classes. Every class I unmute kids, they interact, they ask doubts, they chat. ये सारी और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए होगा. क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ो, यानी वाईटी में पढ़ो, दो चीजों का ध्यान दो. टेस्ट, लाइव क्लास चल रही है आपकी, लाइव क्लास में आपके नोट्स बन रहे हैं और कोई आपके डाउट सॉल्व कर रहा है. क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में डाउट्स बहुत आते हैं. Yes, so it's very important कि आप इतने टेस्ट दीजिए. आप एटलीस्ट अपने डाउट सॉल्व कराओ. ये क्लास टीचर सिर्फ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए हमारी क्लासेस में होते हैं. दे आर जस्ट देयर टू मेक श्योर दैट आपको डाउट ना आए. यू आर एबल टू अनम्यूट, यू आर एबल टू आस्क. सो दिस इज व्हाट आई नीडेड टू टेल यू. अगर आप खुद कर सकते हो, वरना इफ यू वॉन्ट टू कम टू आवर क्लासेस, यू ऑलवेज हैव अ ऑप्शन. आप यहां क्लिक कर सकते हो. आज मेरे घर के बाहर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है. नॉर्थ इंडिया में तो कल भी बहुत खतरनाक तूफान था, एंड आज भी बहुत खतरनाक वाला तूफान है. गाइज, मेक श्योर दैट आप लाइक कर दो अभी के अभी. एंड गाइज, ये डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डीपीपी, राइट? तो ये देखिए डेली प्रैक्टिस पेपर. प्लीज बच्चों, इनसे मैं बहुत टेस्ट बनाने वाली हूं. मेक श्योर आप डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो. एंड गाइज, कम हियर, यहां आ जाइए. प्लीज गो गेट द प्रो मेंबरशिप. Quickly go get the pro membership. Just go run get the pro membership. It's really, see guys, you don't really have to buy these. ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ. It's okay, आप बाद में आप अपने, but at least try करो. Try with the cheapest. Then you will realize. देखो, जब सबसे पहले कंप्यूटर आया था, फोन आया था, आप ट्राई तो करो. फिर आप यार, what are you missing? मैं वो एक्साइटमेंट बयान नहीं कर पा रही हूँ. आई वॉन्ट यू टू ट्राई फॉर 1 month एंड ट्राई द चीपेस्ट वन. देन यू विल रियलाइज वॉट ऑल हैव यू बीन मिसिंग इन द क्लासेस इन योर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट. ट्राई दिस फॉर श्योर. गो गेट. एंड गाइज, अगर लेना है ना, तो कोड तो आपके पास सिर्फ वीडी प्रो होना चाहिए, सो दैट यू गेट माई मेंटोरशिप. आपको अलग कोड पे यू विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन माई बैच. You will not get my mentorship. So please make sure that you get my mentorship.